नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बीकानेर ज़िले की, जहाँ पे बीकानेर के जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम और उनकी टीम ने आज जो है बीकानेर ज़िले में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। और जो इस दौरान मौके पे जो मेट और जो पंचायत स्तर के जो ग्राम सेवक यान ने जो अधिकारी थे उनको नरेगा कार्यों को लेकर उनसे जानकारी भी ली और उनको अलग अलग डायरेक्शन में काम करने के लिए दिशा निर्देश भी जिला कलेक्टर ने मौके पर दिए। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर ने जो है ग्राम पंचायत स्तर पे जो PDS जो राशन वितरण की भी उन्होंने जाके जानकारी ली और राशन वितरण में किस तरह से जो है राशन डीलर एहतियात बरत रहे हैं और लोगों को किस तरह से कितना राशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं और उनके पास जो पॉस मशीन है उसमें वो किस तरह से एंट्रीज और वो करते हैं, इसकी भी जिला कलेक्टर ने जानकारी ली। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं आपको ले चलता हूँ नरेगा के जो नरेगा के तहत जो बीकानेर ज़िले में जो काम हो रहे हैं उनकी जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से और जो मौके पे मेट और अन्य अधिकारियों से किस तरह से जानकारी ली और उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस जिला कलेक्टर ने राशन सामग्री वितरण का जो PDS जो सिस्टम है उसका जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक डिपो होल्डर से उसकी जानकारी ली और उसके वहाँ औचक निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूरी जानकारी जो है एक वीडियो के माध्यम से। ओके, हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सकें। और आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ बीकानेर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे जिला कलेक्टर कर रहे हैं नरेगा कार्यों का निरीक्षण। तो आइए देखते हैं वीडियो। वो लकड़ी बीन के ला रहा है कहाँ, कैसे निकालोगे मिट्टी बिना पावड़े के? वो तो दो पावड़े हैं आपका, एक तीसरा पखवाड़ा है कलेक्टर साहब को बताओ क्या किया 3 पखवाड़ों काम 1.5 महीना में क्या काम कर दिया इसमें आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, ये तो पुराना है। और ये क्या है, वो मेट कह रहा है कि अभी पानी आया, ये अभी का नया पानी लग रहा है, मिट्टी काट दीजिए बोले, नया पानी लग रहा है मिट्टी काट दीजिए क्या? वो कह रहा है कि अभी 2 दिन पहले आया ये पानी, और इस पंचायत में कहीं और भी पानी भरा होगा, पूरी पंचायत में बरसात हुई होगी, तो इसके अलावा अभी वो दिखा दो कि यहाँ और पानी भर गया, ये रहा एविडेंस। मैं झूठ तो ऐसे पता नहीं कहाँ से तैयार करके लाते हैं, क्यों भाई? और पंचायत में पूरी में कहीं भी एक इतना बूंद पानी भरा दिखा दोगे? सर पिछले हफ्ते में क्या कह रहा हूँ मैं, पंचायत में पूरी में कहीं भी एक गड्ढे में भी एक बूंद पानी दिखा दोगे? फिर इसी में ऐसा क्या है कि इसमें पानी भर गया तुम्हारे 2 बरसात में? वही जिला पानी है, पहले का पानी है, पुराना पानी है, बिल्कुल मिट्टी देख लो एकदम सड़ चुकी है, सड़ा हुआ पानी है। आया तो सर इसी बरसात में आया पानी। क्या कैसे काम करते हो तुम्हारे पास? ना तो पावड़ा है देखो, बिल्कुल नहा दोगे ना तुम्हारी मिट्टी हाथ से लगी ना पैर से लगी। यहाँ अरे यहाँ हाथ से मिट्टी लगी ना पाँव से लगी, कर क्या रहे हो? लकड़ियाँ मिलने आए आपकी गांव का काम है नरेगा में है? देखो वो लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं नरेगा में आके हाथ से। और लकड़ी क्यों तोड़ रहे? तुमने वही चीज क्यों रंग किया? वो काम को देखो, लकड़ी तोड़ रहे हो नरेगा में, देखो वो लकड़ी उठा रहे हैं, इतना बहरा काम कर रहे हैं। सर इसमें हमारे आज के मेरे में आग वाला बता दे आग वाला सुन मैं तो से ना वो बता दे वो जो है वो बता दे एटी टू है
फटाफट में एक बार यहाँ बताओ तो कहाँ पहले तो एक्चुअली रास्ता बहुत चेंज हुआ है सर, ये जो सड़क बनी हुई पहले ही अपने आप बनी हुई कच्चा रास्ता मेजरमेंट लिया होगा ना कल, कल के आधार पर कल कितना था आज कितना हो गया सोसाइटी कितने समय आए थे 90 किलो मेरे पास भी इतना यार 17-30 किलो सब नहीं वो थैली बना बना के लाए थे अभी शुरुआत है ये पूर्वा शेड़ बंटा सा बात ये चना कितने लोग लेते हैं अभी शुरुआत ही करी आज आज अभी अभी उसका लोग कराई कितना गेहूं मिला उसको 60 हाँ गेहूं गेहूं इसको गेहूं कितना मिला गेहूं मेरे को 17 क्विंटल 30 किलो गुस्साई सर बड़े की है और पुरखाराम है ये है ये है तो ये पुरखाराम के खाते में जा रही है इनकी पेंशन गलत तरीके से तो फिर ये ठीक क्यों नहीं करवाया सर ठीक कर दिया कर ठीक हो नहीं रही है दो तीन बार देख लिया इसमें सुविधा शिविर भी डाल के देख लिया इसमें एक ऑप्शन है सीडिंग का सुविधा शिविर का इसमें डाल के देख लिया तो इसमें नोट रिकॉर्ड है करो करो मेरे सामने करो